गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जेनेटिक कोड्स। तो जेनेटिक कोड्स होते क्या हैं बेसिकली, इसकी हम बात करेंगे आज। तो डीएनए में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई होती है वो इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन में चार नाइट्रोजन बेस होते हैं जो उस इंफॉर्मेशन को बनाए हुए होते हैं, लाइक ए जी सी एंड टी। और यही जो इंफॉर्मेशन होती है वो आगे से आगे काउंटलेस वे में जाके, यही जो पोजीशनिंग है ये काउंटलेस वेज में जाती है, और बहुत ही तरीकों की, जो काउंटलेस वेज में जाके बहुत तरीकों की क्या बनाती है, वे में जाके अलग अलग तरीके की पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन में हेल्प ये करता है। तो कहने का मतलब ये है कि डीएनए के अगर पास अगर चार न्यूक्लियोटाइड है और 12 तरीके से वो लग सकता है या 10 तरीके से वो लग सकता है, तो अप्रोक्सीमेट 100,000 से ज्यादा टाइप के वो फॉर्मेशन फॉर्म कर देगा। एग्जैक्ट नंबर आप कैलकुलेट करके देख सकते हो जिनकी मैथ अच्छी है, तो अप्रोक्सीमेट 104,000 के अराउंड ये बनेंगे आपके। तो कहने का मतलब है कि चार नाइट्रोजन बेस अगर 10 भी प्रेजेंट है किसी एक स्टैंड के अंदर, तो 100,000 के करीब वो फॉर्मेशन कर सकते हैं पेप्टाइड्स का। ठीक है, अब हम इसमें एक बात करेंगे यहाँ पे कि जेनेटिक कोड्स का एक बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन होता है बिटवीन द जीन और जीन के साथ में भी और सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड के साथ भी। कैसे होता है वो हम कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में इससे पहले भी। ये आपका डीएनए है, इसके ऊपर ये तीन 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 कोड लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन को किसने लिया, आरएनए ने लिया। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को किसने ले लिया बेटा, आरएनए। तो ये जो पार्ट ऑफ डीएनए है इसको हमने क्या बोला, जीन बोला। इससे इंफॉर्मेशन आई कहां पे, एमआरएनए के पास। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या बना, तीन तीन कोड को मिला के एक अमीनो एसिड, फिर अगले तीन को मिला के एक अमीनो एसिड, फिर अगले तीन को मिला के एक अमीनो एसिड, फिर अगले तीन को मिलाया, फिर अगले को मिलाया। तो इस तरीके से अमीनो एसिड की एक चेन बनती चली गई। और आपको पता है चेन ऑफ अमीनो एसिड क्या कहलाती है, पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से जीन जो है वो एक इंटीमेटली रिलेटेड होता है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड के सीक्वेंस के और न्यूक्लियोटाइड के, तो उसको हम जेनेटिक कोड बोलेंगे। तो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड में वो किस तरीके से प्रेजेंट है, उनके बीच के जो रिलेशन है उसको हम बोलेंगे जेनेटिक कोड। ठीक है, तो ये तीन 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 के जो सीक्वेंस आ रहे हैं ना, वो क्या कहलाते हैं बेटा, जेनेटिक कोड कहलाते हैं। हमारे पास चार नाइट्रोजन बेस है। अगर हम आरएनए की बात करें तो उसके पास कौन से हैं, ए एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल, ए जी सी यू। ठीक है, अब इन चारों को कितने भी तरीके से लगा लो तो हमारे पास लगभग 64 फॉर्मेशन आती हैं। यूसीएजी को हम अगर अरेंज करते हैं, इसकी एक टेबलेटेड फॉर्म है, मैं आपको भेज दूंगी नोट्स में, वो 64 फॉर्मेशन आती है। और इन 64 फॉर्मेशन से हमें लगभग 20 तरीके के अमीनो एसिड मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब चार अमीन बेस, चार नाइट्रोजन बेस अलग 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 तरीके से लग लग के हमें लगभग 20 अमीनो एसिड देते हैं। लेकिन वो लगे कैसे होते हैं, वो अकेला अकेला एक अमीनो एसिड नहीं बनाता, ना वो जोड़े में रहकर एक अमीनो एसिड बनाता है, वो ट्रिप्लीकेट्स में एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि वो तीन 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 के उसमें लगा होता है तभी एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वो कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, वैसे तो कुछ नया नहीं है आपके लिए। लाइक ए यू जी, फिर जी यू जी, फिर ए यू जी, फिर जी यू जी, मोस्ट अंडरस्टूड है इसलिए मैं ये बना रही हूँ। तो ये तीन कोड मिलके क्या बनाएंगे, ए कोड, फिर ये तीन, ये तीन, ये इंडिविजुअल तो एक नाइट्रोजन बेस ही है, ए है और यू है और जी है, लेकिन जब ये तीनों मिलते हैं तो ये एक जेनेटिक कोड की तरह काम करते हैं। और इस जेनेटिक कोड से आपको कौन सा अमीनो एसिड मिलता है, मिथियोनाइन मिलता है। जीयूजी से आपको कौन सा मिलता है, वेलाइन मिलता है। इससे फिर आपको मिथियोनाइन मिलेगा,
इससे फिर आपको वेलाइन मिलेगा। तो कहने का मतलब है एक चेन बन जाती है, और आपको पता है अमीनो एसिड की चेन क्या कहलाती है, पेप्टाइड कहलाती है। तो इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज जेनेटिक कोड्स। इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा बोर्ड के अंदर, 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली चीज ये आती है कि जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिप्लीकेट्स में होते हैं, यानी कि 3 एडजेसेंट कोड जो होंगे, जैसे रैंडमली 3 जो होंगे लगातार, जैसे 3 बने फिर अगले 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3, इस तरीके से ये हमेशा ट्रिप्लीकेट में मिलते हैं। इनके बीच में कोई भी कोमा या कोई भी गैप नहीं होता है, ये कोमा लेस होते हैं, ठीक है। लाइक कोई भी एक सीक्वेंस है उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 मैंने रैंडमली बना दिया, ये देखो इनको आप एक ACGU कुछ भी मान लो, तो ये शुरू के 3, फिर अगले 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 3, ठीक है। इस तरीके से ये अपने आप को बना लेते हैं, इनके बीच में कोई कोमा नहीं होता और कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैप आप समझते हो ना, लाइक ये वाला अमीनो एसिड यहाँ पे जो ये वाला, चलो खुला को थोड़ा खुला बताते हैं आपको, लाइक ये वाला अमीनो एसिड है अगर ये इसी कोड में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये अगले वाले में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये यहीं तक सीमित रहेगा, ये अगले वाले में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी तरह ये वाला, ये 3 कोड है तो ये वाला कोड इसको पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये अपना इंडिविजुअल रहेगा। अगर इन केस अगर ये रिमूव हो जाए, किसी भी वजह से रिमूव हो जाए, तो फिर ये सारी चेन गड़बड़ हो जाएगी। ये 3 तो यूं की यूं रहेंगे, लेकिन अब की बार आगे वाली चेन जो होंगी वो शिफ्ट होते चली जाएंगी। वो एक कंडीशन होती है म्यूटेशन में, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन हमने बात की थी, वो ये चीजें हैं। लेकिन नॉर्मली इसमें कोई कोमा नहीं होता, कोई ओवरलैपिंग इसमें नहीं होती है। फिर इसके बाद आता है अगला कैरेक्टर स्टार सिग्नल, इसकी बात हमने बहुत बार करी है, लास्ट वीडियो में भी इसकी बात की थी कि इसके पास 2 कोड हैं, AUG और GUG, ये दोनों के दोनों कोड देखो 3 है ट्रिप्लीकेट, एडिनिन यूरेसिल ग्वानिन, ग्वानिन यूरेसिल ग्वानिन, है ना 3 कोड। तो ये होता है बेटा मेथियोनाइन के लिए और ये होता है विलाइन के लिए, ठीक है। तो ये जो कोड होते हैं इनको हम लोग ड्यूअल फंक्शन कोडोन भी बोल देते हैं। व्हाई वी कॉल इट एज ड्यूअल फंक्शन कोडोन, बिकॉज दे एक्ट एज ए स्टार्ट कोडोन, पहला काम, एंड सेकेंड थिंग इज दे फॉर्म एन अमाइनो एसिड नोन एज मिथियोनाइन, अमाइनो एसिड नोन एज मिथियोनाइन। तो ये 2 काम हो गए इसके, क्या स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है, मिथियोनाइन इसके पास प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूअल फंक्शन कोडोन बोल देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बेटा आपके स्टॉप कोडोन, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। UAA, UAG, UGA, इनके वैसे नाम लिखे गए हैं, ओकरा, एम्बर, कोई पूछ ले तो उसके लिए बता रही हूँ मैं, ओपल, ओकरा, एम्बर और ओपल, ये 3 इसके नाम है। ये किसी भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसको स्टॉप कोडोन या फिर नॉनसेंस कोडोन भी बोल दिया जाता है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी इनकी, चौथी सॉरी, ट्रिप्लीकेट हो गया, स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन हो गया, कोमा लेस हो गया, और ओवरलैपिंग भी नहीं होती है। फिर आता है बेटा ये यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। तो कहने का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में सॉरी जहां कहीं भी कोई अमीनो एसिड मिलेगा, जैसे कि AUG अगर किसी वायरस में मिल रहा है तो मिथियोनाइन बना रहा है, यही AUG अगर किसी पेड़ में मिल रहा है तो भी मिथियोनाइन बना रहा है, किसी बिल्ली में मिल रहा है तो भी मिथियोनाइन बना रहा है, किसी ह्यूमन में मिल रहा है तो भी मिथियोनाइन ही बना रहा है। तो कहने का मतलब है ये यूनिवर्सल है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई कोड किसी चीज पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए असाइन कर दिया गया है तो वो उसी को बनाएगा, किसी और चीज को नहीं बनाता है। फिर हम बात करते हैं नॉन एम्बिगुअस, ये कोड जो होते हैं नॉन एम्बिगुअस होते हैं। देखो एम्बिगुअस वर्ड का मतलब होता है किसी एक बात के कई मतलब निकाल लेना, एम्बिगुअस का मतलब है किसी एक बात के बहुत सारे मीनिंग, ठीक है। ये नॉन एम्बिगुअस है मतलब एक कोड के बहुत सारे मीनिंग यहाँ पे नहीं होंगे। अगर AUG ये कहता है कि मैं तो मिथियोनाइन ही बनाऊंगा तो AUG कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं वेलाइन भी बना लूंगा, मैं ग्लूटामिक एसिड भी बना लूंगा,
मैं ग्लूटेनेम भी बना लूंगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर एयूजी है और तो वो मिथियोनाइन को ही बनाएगा और किसी को नहीं बनाएगा। एक के कई मतलब नहीं निकलेंगे इस वाली कंडीशन में। एक के कई मतलब निकल गए, इसे एक के कई मतलब निकल गए ना, तो ये कंडीशन प्रिवेल ही नहीं करती है। इसी को हम बोलते हैं नॉन एम्बिगुअस। ठीक है, फिर आता है एक और रिलेटेड कोडोन, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कुछ कोडोन की प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर सी होती है तो उनको हम रिलेटेड कोडोन बोलते हैं। उनके फर्स्ट दो कोडोन एक जैसे होते हैं, इसीलिए वो लोग एक जैसे दिखते हैं, किसी प्रॉपर्टीज को शो कर देते हैं। नेक्स्ट आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट डीजेनरेसी ऑफ कोडोन। देखो ये और ये बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 64 कोड हैं और 20 अमीनो एसिड बन रहे हैं। मैंने शुरू में आपको बताई थी कि 64 तो कोड बने हैं और इन 64 में से 20 अमीनो एसिड निकले। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अमीनो एसिड को कोई दो कोड चार कोड बना रहे हैं। तो इसी तरीके से कुछ कुछ अमीनो एसिड को दो कोड बनाते हैं। ट्रिप्टोफेन जैसे है, ट्रिप्टोफेन के लिए दो कोड है। ठीक है, ऐसे ही आर्जिनिन, आर्जिनिन के लिए 6 कोड है। यानी कि पूरी जो आपकी टेबल है जेनेटिक कोड की, 64 कोड्स की टेबल, उसमें कोई 6 कोड ऐसे हैं जो आर्जिनिन को बनाते हैं। ठीक है, वो जैसे कि हो सकता है वो यू 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 हो, यू सी ए हो, यू ए जी हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है वो। तो कहने का मतलब है कि 6 अलग 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 कोड किसी एक अमीनो एसिड को बना सकते हैं, लेकिन इस एक कोड से यही आर्जिनिन ही बनेगा, इससे अलग अलग अमीनो एसिड नहीं बन सकते। अलग अलग अमीनो एसिड एक कोड बना सकते, अमीनो एसिड अलग अलग कोड एक अमीनो एसिड बना सकते हैं, लेकिन एक कोड अलग अलग अमीनो एसिड नहीं बना सकता है। इसको हम बोलते हैं बेटा डीजेनरेसी ऑफ कोडोन। फिर नेक्स्ट आता है आपका पोलैरिटी। पोलैरिटी आपको अच्छे से पता है, इसकी पोलैरिटी हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती है, 5-3 डायरेक्शन में होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका कोलिनियरिटी। वो मैं आपको शुरू में इस टॉपिक के बता चुकी हूं कि डीएनए की इंफॉर्मेशन को एमआरएनए ले लेता है, एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को अमाइनो एसिड ले लेते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोटीन ले लेता है। तो इस तरीके से सीक्वेंस में मतलब कोई चेंज नहीं आता है जल्दी से, अगर अंटिल अनलेस म्यूटेशन ना हुआ हो तो कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। तो एक लीनियरली ये सब काम हो रहा है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं दे शो द कोलिनियरिटी। इस सारे का ये दीज और दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड्स। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि पैरामीशियम, अगर आपने नाम सुना हो तो उसके अंदर बेटा यूएए और यूजीए जो है वो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। यूएए और यूजीए ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, जबकि हम लोग इसे क्या मानते हैं, ये एक्सेप्शन है बेटा। ठीक है, हम लोग कहते हैं ये तो नॉनसेंस कोडोन, इनकी तो कोई सेंस ही नहीं है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल जीन, ओवरलैपिंग जीन, ये सारे के सारे जो होते हैं ओवरलैपिंग जीन में बड़ी गड़बड़ होती है उसके अंदर, वो एक्सेप्शन है। अदरवाइज ये दीज आर द कैरेक्टर। और इसमें यूनिवर्सल, नॉन एम्बिगुअस और डीजेनरेसी ऑफ कोडोन, ये तीन चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे से इसको पढ़ लेना, ना कोई डाउट है तो वीडियोस को एक दो बार आगे पीछे करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, टुमारो विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।